नमस्कार दोस्तों, अल्फा ऑफिस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम देख रहे थे आरएएस का रिवीजन मॉड्यूल, है ना। तो ये आरएएस के रिवीजन मॉड्यूल में हम योगा एंड स्पोर्ट्स शुरू कर चुके थे और आज उसका फाइनल लेक्चर है। 1 से लेकर के 5 तक के लेक्चर्स हम लोग देख चुके हैं और आज फाइनल लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम लोग देखेंगे एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया एंड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन इन ओलंपिक, है ना। इसमें क्या क्या आपने सिलेबस में दिया हुआ है, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, फिर एशियन और कॉमनवेल्थ, है ना। ये 4 दिए हुए हैं, तो अपन इनमें जो जो इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन का पार्टिसिपेशन है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा जो ये दूसरा टॉपिक है एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया, इस टॉपिक में देखो ये अलग से कोई टॉपिक नहीं है। इसमें जो जो पार्टिसिपेशन जिन जिनकी है वही एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हैं। तो ये सारे अपन लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओलंपिक्स की। ओलंपिक्स देखा एज अ स्पोर्ट, पहले 8th BC से 4th AD के बीच में खेला जाता था। इसमें जो ग्रीस के जो राजा होते थे वो ये ऑर्गेनाइज कराते थे अपनी प्रजा के लिए और बहुत ही शानदार लेवल पे ये स्पोर्ट्स होते थे। पर जो ये मॉडर्न इवेंट है, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है, ये एथेंस ग्रीस से शुरू हुआ 1896 में, ठीक है। ये 6 तरह के ओलंपिक गेम्स होते हैं इसमें, है ना। एक तो पैरा ओलंपिक्स होता है, एक समर ओलंपिक्स, जो नॉर्मली अपन ओलंपिक्स को बोल जानते हैं वो समर ओलंपिक्स होते हैं, फिर एक विंटर ओलंपिक्स होता है, एक यूथ ओलंपिक्स, एक डेफ ओलंपिक्स और स्पेशल ओलंपिक्स। ये टोटल 6 हैं। तो इसमें देखो अपने सिलेबस में तो पैरालंपिक और समर ओलंपिक्स ही है, तो हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। फिर ऑर्गेनाइज इसको कौन कराता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, है ना। ये हर 4 साल में इसको ऑर्गेनाइज कराती है। फिर इसका जो लोगो होता है, ये 5 रिंग्स जो यहाँ पर फोटो लगा हुआ है, ये 5 रिंग्स है ना, अलग अलग कलर की 5 रिंग्स होती है, 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को डिनोट करती है। फिर इसका जो मोटो है वो है सिटीएस, ऑल्टीएस, फोर्टीएस और कम्युनिस, ये इसका मोटो है। इसमें टोटल देखो 29 ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज हो चुके हैं आज तक, 32 होने चाहिए थे, परंतु 1916, 1940 और 1944, ये 3 इवेंट ऐसे हुए हैं जो ऑर्गेनाइज नहीं हुए हैं ड्यू टू वर्ल्ड वॉर, अलग अलग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये ऑर्गेनाइज नहीं हुए, और आज तक ये इंडिया में ऑर्गेनाइज नहीं हुए हैं और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी ये ऑर्गेनाइज नहीं हुए। फिर इंडियन पार्टिसिपेशन की बात करें तो इंडियन पार्टिसिपेशन देखो 1900 में पहली बार इंडिया की टीम, मतलब इंडिया से कोई पार्टिसिपेशन गया, उनका नाम था नॉर्मन प्रिचार्ड और ये एथलेटिक्स से थे और इनको 2 सिल्वर मेडल उस टाइम पर मिले थे। फिर 1920 में बेल्जियम में ओलंपिक गेम्स हुए और वहां पर इंडिया ने 6 प्लेयर्स को भेजा। उसके अलावा देखें तो ऑल इंडिया ओलंपिक कमेटी 1923 में सर दोराबजी टाटा की रिकमेंडेशन पे ऑल इंडिया ओलंपिक कमेटी बनाई गई। फिर ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स जो ऑर्गेनाइज हुए, जो अभी जो हम लोग करंटली देखते हैं नेशनल गेम्स, है ना, वो इसी का रूप है। तो ये 1924 में ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज हुए जो अब नेशनल गेम्स कहलाते हैं। फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 1927 में बना, जिसके प्रेसिडेंट थे सर दोराबजी टाटा। तो ये सर द्रौपजी टाटा का नाम आप स्पेशली ध्यान रखना, इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, वैसे भी आपको पता है टाटा का कंट्रीब्यूशन रहा है। फिर जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है जो 1927 में बना था, इसको 3 रोल्स दिए गए, ये 1927 से 1947 तक के लिए इसने ये 3 रोल परफॉर्म किए। एक तो है ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपोर्ट नहीं है भाई, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का, एक बेटर रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग देने का खिलाड़ियों को और एक प्लेयर्स को ओलंपिक में भेजने का। ये 3 रोल्स किसके थे, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। और फिर आज तक देखो टिल डेट इंडिया ने 35 मेडल ओलंपिक्स में जीते हैं, उसमें से 10 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर है और 16 ब्रॉन्ज मेडल है। इसके अलावा इनमें से 35 में से देखो 12 तो हॉकी में ही मेडल्स हैं, ठीक है। तो ये इंडियन पार्टिसिपेशन हमने देखा। अब जो करंटली अभी नए नए जो लास्ट में ओलंपिक गेम्स हुए 3-4, अपन उनके बारे में बात करते हैं। जो बीजिंग ओलंपिक हुए 2008 में, उसमें इंडिया से 67 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया टोटल 12 गेम्स में, और इसमें हमको तीन तीन मेडल्स मिले, अभिनव बिंद्रा को, सुशील कुमार को और विजेंद्र सिंह को, ये तीनों को मेडल्स मिले थे, है ना, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। इंडियन हॉकी टीम इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। फिर लंदन ओलंपिक्स है, तो ये 2012 में हुए थे, यहाँ पर 13 गेम में हमने पार्टिसिपेट किया था, 83 प्लेयर्स हमने भेजे थे। तो प्लेयर्स बढ़ाए तो मेडल्स भी बढ़े, 6 मेडल्स हमको मिले, विजय कुमार, सुशील कुमार, गगन नारंग, साइना नेहवाल, योगेश्वर दत्त और एमसी मैरीकॉम, ये टोटल 6 लोगों को मेडल्स मिले। फिर बात करते हैं रियो ओलंपिक्स की। तो रियो ओलंपिक्स में हमने प्लेयर्स तो बढ़ाए परंतु मेडल्स की संख्या हो गई कम, 2 ही टोटल मेडल मिले, पीवी सिंधु को और साक्षी मलिक को। दीपा कर्माकर इस टाइम पे बहुत फेमस रही थी, इनको 4th प्लेस मिली थी, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना नाम। फिर बात करते हैं अपन टोक्यो ओलंपिक्स की। तो टोक्यो ओलंपिक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसमें जो जो अभी रिसेंट प्लेयर्स हैं अभी बहुत फेमस भी हुए हैं। तो 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स हुए, इसमें हमने 122 प्लेयर्स को भेजा, है ना। इसमें देखो टोटल 33 गेम्स ऑर्गेनाइज हुए थे, 33 स्पोर्ट्स हुए थे, गेम्स हुए थे, तो 15 गेम्स में हमने पार्टिसिपेट किया था। तो 18 गेम्स में तो हमारे वैसे भी चांसेस खत्म हो गए मेडल जीतने के। तो हमने टोटल मेडल जीते कितने हैं, 15 गेम में हमने 7 मेडल जीते हैं,
टोक्यो ओलंपिक के बारे में देखे थे? टोक्यो ओलंपिक का जो मैस्कॉट होता है, एक मैस्कॉट बनाते हैं, ये मिराई तोवा है ना, ये फोटो मैं लगाना भूल गया। फिर इसमें चार नए स्पोर्ट्स भी ऐड किए थे, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटे। तो ये तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसमें जो जो पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन यूएस को मिली थी 133 मेडल्स के साथ में, सेकंड पोजीशन चाइना को मिली थी 88 मेडल्स के साथ में, थर्ड पोजीशन मिली थी जापान को, ठीक है, तो ये, और फोर्थ पोजीशन इंडिया को मिली थी, है ना। तो इंडिया को भाई 48th पोजीशन मिली थी, फोर्थ पोजीशन नहीं मिली थी, 48th पोजीशन मिली थी 7 मेडल के साथ में। और इसमें जो जो 7 मेडल्स मिले थे वो देखिए, तो नीरज चोपड़ा को मेडल मिला था जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल, ये पहले ऐसे एथलीट थे जिनको गोल्ड मेडल मिला है, और हरियाणा के ये रहने वाले हैं। मेजर ध्यानचंद अवार्ड इनको मिला। फिर 2023 में दोहा डायमंड लीग, वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में भी इनको गोल्ड मेडल मिला। फिर एक अवार्ड होता है लॉरियंस अवार्ड, ये लॉरियंस अवार्ड है, तो इसमें है ना, ये सेकंड ऐसे इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला है ना, पहले युवराज सिंह को ये मिल चुका है। फिर मीराबाई चनू है, ये वेटलिफ्टिंग स्पोर्ट्स से है, मणिपुर की रहने वाली है, इनको सिल्वर मेडल मिला 49 kg कैटेगरी में, 202 किलो का इन्होंने वेट लिफ्ट किया है ना, स्नैच और क्लीन एंड जर्क दोनों मिला करके। इनको भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ये जो सातों प्लेयर्स हैं ना जिनके नाम है, इनको सबको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला हुआ है। तो अपन एक बार नाम नाम देख लेते हैं। रवि दहिया है और स्पोर्ट्स देख लो आप, है ना, रेसलिंग के। फिर पीवी सिंधु है, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। लवलीना बोरगो है ना, ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है। फिर बजरंग पूनिया है, ये रेसलर है, और इंडियन हॉकी टीम को भी इसमें ब्रॉन्ज मेडल मिला था, जिसके कैप्टन है मनप्रीत सिंह। फिर इसके अलावा राजस्थान से कौन कौन प्लेयर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट, किसी भी राजस्थान को खैर मेडल तो नहीं मिला परंतु पार्टिसिपेट जिन्होंने किया था उसमें, अपूर्वी चंदेला है, ये जयपुर की रहने वाली है, शूटिंग स्पोर्ट्स है, दिव्यांश सिंह पंवार है, जयपुर के रहने वाले हैं और इनको शूटिंग स्पोर्ट है, अर्जुन लाल है, ये सेलिंग स्पोर्ट्स से है, ये भी जयपुर के रहने वाले हैं, और भावना जाट है, ये राजस्थान की रहने वाली है, रेस वॉकिंग नाम से एक स्पोर्ट होता है, इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। फिर इसके अलावा कुछ और प्लेयर्स देखोगे जिनको मेडल नहीं मिला जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो अदिति अशोक है, इनका गोल्फ गेम है, रानी रामपाल है, ये हॉकी विमेंस टीम की कैप्टन थी। फिर भवानी देवी है, ये इनका फेंसिंग स्पोर्ट है। वंदना कटारिया, ये अपनी हॉकी टीम की गोलकीपर थी। सविता पूनिया है, ये हॉकी टीम की, सॉरी, सविता पूनिया हॉकी टीम की गोलकीपर थी, और वंदना कटारिया हॉकी टीम की प्लेयर थी, इन्होंने पहली हैट्रिक बनाई थी, है ना, और इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है। ये टेबल आप एक बार, प्रिया श्रेजेश है, ये अपने मेन्स टीम के हॉकी टीम के गोलकीपर थे, ये टेबल एक बार देख लेना। फिर बात करते हैं अपन पैरालंपिक गेम्स की। तो पैरालंपिक गेम्स देखो तो 1960 से ये शुरू हुए है ना, और इनका जो मोटो है वो स्पिरिट इन मोशन, मोटो तो स्पिरिट इन मोशन है, और इनका जो लोगो है वो थ्री एगेटोस होता है ना, ये रेड ब्लू ग्रीन कलर का, तीन ऐसे, ऐसा देखो यार इसमें बनेगा नहीं मेरे से, ऐसा ऐसा और ऐसा, ये तीन ऐसे ऐसा कुछ लोगो होता है इनका। फिर फर्स्ट मेडल जो है इसमें हमें मुरलीकांत जी ने दिलाया, तो मुरलीकांत को 1972 में मेडल मिला था, आज तक हम लोग इसमें 31 मेडल्स जीत चुके हैं, ठीक है। और अलग अलग प्लेयर्स को देखें हम, तो आप देखो ये एक बार ये वाले प्लेयर्स देख लेते हैं। 1972 में मुरलीकांत जी ने पार्टिसिपेट किया था स्विमिंग में, इनको गोल्ड मेडल मिला था। फिर उसके अलावा जोगिंदर सिंह बेदी हैं, इनको शॉट पुट, जेवलिन, डिस्कस थ्रो तीनों में मेडल मिले थे 1984 न्यूयॉर्क में। 2004 एथेंस में देखो देवेंद्र झाझड़िया हैं, जो अभी बीजेपी से चुनाव भी जिन्होंने लड़ा राजस्थान में चूरू में, वो जेवलिन में ही इनको मेडल मिला है, और इनको देखो 3 बार मेडल मिला हुआ है, एथेंस में इनको गोल्ड मेडल मिला है, रियो में इनको गोल्ड मेडल मिला है, और अभी जो टोक्यो हम देखेंगे उसमें भी इनको उसमें इनको सिल्वर मेडल मिला है। फिर इनके अलावा मरियप्पन, ये थेंगा वेलु है ना, ये नाम स्पेलिंग गलत हो गया। फिर एक वरुण सिंह भाटिया हाई जंप से, इनको ब्रॉन्ज मेडल था, और एक दीपा मलिक है शॉटपुट से, इनको सिल्वर मेडल मिला था। अब टोक्यो में देखते हैं अपन जो पैरालंपिक स्पोर्ट्स हुए थे, ये 2021 में हुए थे, डेट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। फिर इसका जो मैस्कॉट होता है वो सोमाइटी है ना, और इसका मोटो याद रखना, और यूनाइटेड बाय इमोशंस। फिर इंडिया से 54 प्लेयर्स ने 9 गेम्स में पार्टिसिपेट किया था, और कुल 19 मेडल जीते थे, है ना, कुल 19 मेडल जीते थे। और इसमें देखो कौन कौन है आप देख लो एक बार, अवनी लेखरा जयपुर से हैं, उन्होंने शूटिंग में एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कृष्णा नागर हैं, ये बैडमिंटन से हैं, ये जयपुर की हैं, और इन सबको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिला हुआ है। फिर ये मनीष नरवाल हैं, ये हरियाणा के हैं शूटिंग से। सुमित अंटिल हैं, ये सुमित अंटिल है, ये भी हरियाणा के हैं, ये भी जेवलिन में हैं, और इन्होंने ये पैरा स्पोर्ट्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। फिर एक प्रमोद भगत हैं, ये उड़ीसा के हैं बैडमिंटन, ठीक है। फिर और प्लेयर्स कौन कौन से हैं जो, मतलब इन टोटल प्लेयर्स राजस्थान के जो जो थे, अवनी लेखरा हैं, कृष्णा नागर हैं, देवेंद्र झाझड़िया जी हैं चूरू के जैवलिन थ्रो, और सुरेंद्र सिंह गुर्जर हैं, ये करौली के रहने वाले हैं, है ना, ये करौली के रहने वाले हैं। संदीप चौधरी हैं, ये झुंझुनू के रहने वाले हैं, और श्याम सुंदर स्वामी हैं, ये बीकानेर के रहने वाले हैं। और एक बार इनका नाम और स्पोर्ट भी ध्यान रखना है ना, राजस्थान वालों का तो आप जिला भी ध्यान रखना, क्योंकि लिखोगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन उससे पड़ता है। फिर अपन कुछ और प्लेयर्स अपन देखें, तो एक भावीना हसमुख भाई पटेल है, ये गुजरात की रहने वाली है, इन्होंने टीटी गेम में ब्रॉन्ज मेडल जीता, इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला।
फिर एक सिंगराज अधाना है, ये यूपी के हैं, शूटिंग गेम है इनका। एक यथिराज सुहास हैं, ये आपको पता होगा कर्नाटक के हैं। ये पहले आईएएस ऑफिसर थे जिन्होंने इसमें मेडल जीता है और पैरालंपिक में। फिर हरविंदर सिंह है, मरियप्पन थेंगावेलु है, ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं और ये हाई जंप में है ना, इनको अभी 2020 में सिल्वर मेडल मिला। फिर एशियन गेम्स की बात करें तो देखो हमने ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स तो देख लिया है, अब एशियन और कॉमनवेल्थ और बाकी है ना। एशियन गेम्स को देखो एशियाड भी कहा जाता है, इसमें सिर्फ एशियन कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। और ये शुरू कैसे हुआ था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में इसकी नींव रखी न्यू दिल्ली में, उनके एफर्ट से ही मतलब ये शुरू हुआ। इसको ऑर्गेनाइज कराती है एशियन ओलंपिक कमेटी हर 4 साल में। इसका मोटो है एवर ऑनवर्ड, इसका लोगो है शाइनिंग सन, ठीक है। और अब ये वाला देखो तो 18th एशियन गेम्स, 18th के बाद में 19th एशियन गेम्स हो गया, तो 18th रहने, तो 19th वाला देख लो, हंगजाओ चाइना में ये हुआ 2023 में। और इसका मैस्कॉट जो था वो थ्री फ्यूचरिस्टिक रोबोट्स थे। फर्स्ट इसमें चाइना ही रहा है, सेकंड जापान, थर्ड साउथ कोरिया, और इंडिया इसमें फोर्थ प्लेस पे था, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंडिया इसमें फोर्थ प्लेस पे था। इंडिया के मेडल याद रखना, 107 मेडल इंडिया को मिले, 28 गोल्ड थे उसमें से, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल। ये इंडिया की आज तक की बेस्ट परफॉर्मेंस थी। फिर इसमें मेडल विनर्स कौन कौन थे, अब देखो 107 तो याद रख नहीं पाओगे, तो एक तो देखो विमेंस और मेंस की कबड्डी टीम थी और क्रिकेट टीम थी। फिर नीरज चोपड़ा जी और चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, अविनाश साबले, तजिंदर पाल सिंह तूर, अनु रानी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और इसके बाद में हम लोग राजस्थान वाले जरूर देख लेते हैं। राजस्थान से टोटल 23 प्लेयर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिनको मेडल मिले हैं उनके देखो आप, अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह है, इनको रोइंग में मेडल मिला। फिर एक अनंतजीत टाक है, ये टोंक के रहने वाले हैं, इनको स्कीट शूटिंग में मेडल मिला। एक मानिनी कौशिक है जयपुर की, ये राइफल थ्रो पोजिशन होता है गेम, उसमें मिला। दिव्य कीर्ति सिंह, इनका नाम आप बहुत ही जरूर से ध्यान रखना, ये नागौर की रहने वाली है, हॉर्स राइडिंग है ना, इक्वेस्ट्रियन करके एक गेम होता है, उसमें इनको गोल्ड मेडल मिला है। और ये बहुत ही फेमस प्लेयर है राजस्थान से। फिर राजस्थान में जैसे जो चुनाव हुए थे उसमें ये स्टेट इलेक्शन आइकॉन भी थी, है ना, जो स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए थे उसमें। फिर दिव्यांश पवार है, इनको 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल मिला था। एक रवि बिश्नोई है, ये क्रिकेट टीम के मेंबर थे, ठीक है। तो ये एशियन गेम्स की बात हो गई, अब हम लोग लास्ट में देख लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, है ना। इनको देखो ब्रिटिश एम्पायर गेम्स ही बोलते हैं, जो पहले कॉलोनीज ब्रिटेन ब्रिटेन की जो पहले कॉलोनीज रही है ना, उनसे ब्रिटेन ने एक समझौता साइन करवाया और उन सब ने मिलकर के अपने आप को कॉमनवेल्थ का मेंबर माना है, तो वो सारे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कंट्रीज विच वर वंस कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन, है ना, दे पार्टिसिपेट। ये यहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर, एक एशले कूपर नाम के ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने ये आइडिया दिया था, है ना, उन्होंने ये आइडिया दिया था। और ये ऑर्गेनाइज कराया जाता है कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन की ओर से हर 4 साल में। फिर इसका जो मोटो है वो क्या है, ह्यूमैनिटी इक्वालिटी और डेस्टिनी, ह्यूमैनिटी इक्वालिटी और डेस्टिनी। अब ये देखो फुल इंक्लूसिव स्पोर्ट होता है, क्योंकि इसमें जो डिसेबल्ड प्लेयर्स होते हैं, मतलब जो दिव्यांग प्लेयर होते हैं, वो मेन टीम का पार्ट बन सकते हैं अगर वो चाहें तो। और जेंडर इक्वालिटी होती है, जो मेडल्स होते हैं वो वुमेन और मेन्स के लिए बराबर होते हैं, मतलब कि जैसे अगर 10 मेडल टोटल मेन्स के लिए हैं तो 10 मेडल ही वुमेन्स के लिए है। फिर 2010 में ये कॉमनवेल्थ गेम बहुत चर्चित, न्यू दिल्ली में 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। और वैसे अगर इनकी शुरुआत देखें तो ये हैमिल्टन कनाडा से 1930 में ये शुरू हुए। अभी रिसेंटली जो है वो देखो 22nd जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो 2022 में बर्मिंगम इंग्लैंड में हुए, इसमें इंडिया फोर्थ पोजीशन पे रहा 61 मेडल्स के साथ में, टॉप पे इसमें ऑस्ट्रेलिया रहा। और इसमें एक डेविड डिक्सन अवार्ड दिया जाता है, वो जो कॉमनवेल्थ गेम्स में बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर होता है उसको दिया जाता है। तो 2006 में ये समरेश जंग को ये अवार्ड मिल चुका है, तो ये नाम भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो हियर वी कम टू द एंड ऑफ स्पोर्ट्स एंड योगा, तो स्पोर्ट्स एंड योगा हमारा यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद में हम लोग प्रॉबेबली बिहेवियर स्टार्ट करेंगे, और साथ में मैं सोच रहा हूँ कि एक एक और क्लास साथ की साथ लगाई जाए, जो कि हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, है ना। तो ये दो हम लोग कोशिश करेंगे कि कल से या एक दो दिन में जब भी हो तब से ये स्टार्ट कर लें। आई आई वॉन्ट कि 1 महीने के अंदर अंदर हम लोग ये चीज़ खत्म करें कि ये 6 सब्जेक्ट जो हमने पहले से डिसाइड किया हुआ है प्लस पबैड और एथिक्स, है ना, तो ये 1 महीने में हम लोग खत्म करें, ताकि फिर रिवीजन के लिए 1 महीना और रहे तो आप इसको एक दो बार देख सको, ठीक है। तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।